जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अशोक अम्बेडकर, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का क्या आंदोलन है वो समझाने के लिए आपके सामने आया। भारत को आजाद हुए 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 सालों में हमने अपनी डायरेक्टरी तक नहीं बनाई, हमको पता ही नहीं हम कहां पर हैं, हम किस अवस्था में हैं, हमारी आर्थिक परिस्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक परिस्थिति क्या है, हम लोगों को यह जानकारी ही नहीं है। और इसलिए पहला काम हम ये कर रहे हैं कि इस देश में हम कहां पर हैं, कितनी संख्या में हैं, हमारी शैक्षणिक अवस्था क्या है, हमारी आर्थिक अवस्था क्या है, ये सारा डेटा इकट्ठा करने का काम हम कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने वेबसाइट तैयार की है। आप जहां कहीं पर भी हो, घर में कितने भी लोग हो, अपना फॉर्म उस पे बनाइए, उस पे भरिए, हम कहां कहां पर है, किस गली में है, किस कूचे में है, ये सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, इस देश में मुस्लिमों को अगर कोई संदेश देना होता है तो वो सबको फोन नहीं करते, किसी को ईमेल नहीं डालते, किसी को घर घर जाकर नहीं बताते। दिल्ली के जामा मस्जिद में उनके इमाम बैठते हैं और वो इमाम वहां से घोषणा करते हैं इस देश के सभी मुस्लिम भाइयों को, उस देश के सभी मुस्लिम बहनों को वो जानकारी प्राप्त होती है। क्रिश्चियनों को इसी तरह से सभी जानकारी एक ही मिनट में पूरे देश में प्राप्त होती है। हम लोगों को हमारे बगल के बस्ती में भी अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय होता है तो इस बगल के बस्ती को भी पता नहीं चलता। और इसलिए हम ये सिस्टम खड़ी कर रहे हैं कि भारत में जहां कहीं पर भी हमारे लोग हो, वो सभी हमारी जो वेबसाइट है www.tbsi.org.in, इसके ऊपर अपने फॉर्म भरो, अपनी जानकारी हमें दो। आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका फोन नंबर क्या है। और जब हम लोगों को कॉमन एक्शन करनी हो, सभी लोगों को इकट्ठा होकर एक होकर हमारी मांग करनी हो, तो सभी गलियों में से, सभी बस्तियों में से हमारा आदमी, हमारे लोग वहां पर आने चाहिए। इस तरह की एक सिस्टम हम खड़ी कर रहे हैं। भारत सरकार 10 साल में एक बार जनगणना करती है। हम 10 साल तक हमारी गणना करेंगे, 10 साल तक। यह 10 साल का एक प्रपोजल लेकर हम लोग एक योजना बनाकर यह काम कर रहे हैं। 10 साल तक गली गली में हमारे जितने भी लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका सारा इंफॉर्मेशन हम लोग हासिल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, हमारी वेबसाइट पर अपना फॉर्म भरिए। और ऐसे ही नहीं आपको भरना होगा, बाबा साहब जब भी कोई आंदोलन किया करते थे तो समाज के पैसों पे करते थे, और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब उस समय 1 रुपया इस देश के लोगों को बोलते थे कि मुझे 1 रुपया दीजिए फीस। बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन की 1 रुपया रखी थी, जिसको हमने 2015 में 10 रुपया कर दी है, और उसी के साथ 15 रुपये का एक धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र हम जनरेट करते हैं। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनको हम धम्म दीक्षा का प्रमाण पत्र देते हैं, ये बताने के लिए कि ये बौद्ध है। और ये डेटा हम विश्व के सामने रखेंगे कि इतने लोग इस देश में बौद्ध है, और उनको हम ये प्रूफ दे रहे हैं कि ये रहा उसका सर्टिफिकेट, और वो भी बाबा साहब के बनाए हुए संस्था का। और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, जो चार्जेस फीस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे हम लोगों ने रखी है वो आप लोग भरिए। और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, कोई भारत का मीडिया हम लोगों को नहीं बताने वाला, और इसलिए ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मैं आप लोगों के सामने रूबरू अपनी बातें रख सकता हूं। और इसलिए ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है, जो बेल आपको दिखती है, उसको क्लिक कीजिए, आप अपने आप हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर हो जाओगे। जो वीडियोस हम बनाएंगे, जो बातें हमको आपके सामने रखनी है, वो सारी बातें इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे।
आप लोगों ने समय निकालकर मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।